हेलो व्यूवर्स, एंड दिस इज जितेंद्र छामरी आयर। सो आज की वीडियो में हम बनाएंगे चॉकलेट स्पॉन्ज। चॉकलेट स्पॉन्ज बनाना बहुत ही इजी होता है क्योंकि मोस्टली इंग्रेडिएंट हमारे घर में इजीली अवेलेबल होता है। सो अभी हम चॉकलेट स्पॉन्ज बनाना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं अपने एक स्टूडेंट को बुलाऊंगा जिसका नाम है भक्ति छामरिया। हेलो, हाउ आर यू? चलो तो अभी हम स्टार्ट करेंगे चॉकलेट स्पॉन्ज बनाना। तो अभी हम चॉकलेट स्पॉन्ज बनाना स्टार्ट करेंगे। भक्ति, बाउल में सबसे पहले आप कंडेंस मिल्क डालिए। हमने हाफ कप कंडेंस मिल्क लिया, 2 टेबलस्पून ऑफ सनफ्लावर ऑयल। अभी हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ बटर। अभी आप इसमें डालिए कैस्टर शुगर 2 टेबलस्पून। आप कैस्टर के बदले पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। भक्ति, अभी आप इसे बीट कर लेंगे जब तक ये थोड़ा वाइटिश कलर का हो जाए। पहले आप सारे इंग्रेडिएंट को ऐसे ही मिक्स कर लेंगे, फिर आप सीधा 5 नंबर की स्पीड पे इसे बीट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमारे बैटर का कलर थोड़ा चेंज हो चुका है। ये टाइम पे हम इसमें डालेंगे वेनिला एसेंस 1/2 टीस्पून। यही टाइम पे हम डालेंगे 1 टीस्पून विनेगर। विनेगर डालने से हमारा केक ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी बनता है। अभी हम और एक बार इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। इसमें बटर और ऑयल दोनों डालना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज हमने ऑयल तो डाल दिया है, तो बटर डालने का क्या फ़ायदा? बटर डालने से ना केक हम जब फ्रिज में रखते हैं ना आइसिंग करने के बाद, तो केक हमारा ना हार्ड हो जाता है। और ऑयल ना मॉइस्चर का काम करता है, वो केक को ज़्यादा टाइम तक मॉइस्ट रखता है। इसके लिए हमने ऑयल मॉइस्चर के लिए डाला है और बटर से एक अच्छा टेस्ट आता है। बटर हमने इसमें टेस्ट के लिए डाला है। ठीक है, अभी हम हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसके ऊपर सीव कर देंगे। इसमें हम डालेंगे मैदा 90 ग्राम। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर से हमारे केक को एक अच्छा टेक्सचर मिलता है। अभी हम इसमें डालेंगे 1.5 टेबलस्पून ऑफ कोको पाउडर। ये हमने मलेशियन डच कोको यूज़ किया है। अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून प्लस 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अभी हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपको डिब्बी वाला ही यूज़ करना है, लूज़ वाला आप नहीं लेंगे। इसे हम अच्छे से सीव कर देंगे। अभी हम इसे स्पैचुला की मदद से मिक्स कर देंगे। अभी इसे ऐसे नहीं, अभी हम इसे कट एंड फोल्ड मेथड से ऐसे मिक्स कर देंगे। ये मैंने लिया है 100 ml वाटर 1/2 कप। इसे मैं माइक्रोवेव कर लूँगा जब तक कि ल्यूक वॉर्म हो जाएगा। ये मैंने ल्यूक वॉर्म वाटर लिया है, जितना गर्म होना चाहिए कि हम इसको सहन कर सके। जेके, ये पानी गर्म क्यों लेना है? ये ल्यूक वॉर्म वाटर हमें इसके लिए लेना है क्योंकि ल्यूक वॉर्म वाटर डालने से हमारे जो भी इंग्रेडिएंट्स थोड़े बहुत ठंडे होंगे वो रूम टेम्परेचर पे हो जाएंगे और इसकी वजह से हमारा केक ज़्यादा फ्लफी बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा लाइट लग रहा है, तो इसका कलर बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून कैरेमल कलर। ये आपको कोई भी केक मटेरियल की शॉप पे मिल जाएगा। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मेजरमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं उसका वीडियो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं कि मेजरमेंट कैसे यूज़ करने हैं। अभी हम इसे बीट कर देंगे। हम हाई स्पीड पे इसे तब तक ही बीट करेंगे जब तक कि हमारा इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाए। ऐसा क्यों? ये हमें इसके लिए करना है क्योंकि बैटर हमारा ओवर बीट हो जाएगा ना तो अच्छे से फूलेगा नहीं और वो नीचे बैठ जाता है। तो अभी हम इसे बीट करना स्टार्ट कर देंगे। अभी हमारा बैटर अच्छे से बीट हो चुका है। हम इसके साइड से अच्छे से इसको स्क्रैप कर लेंगे और हम बैटर को मिक्स कर देंगे।
जब भी आप बैटर भी मिक्स करें ना, तो आपका जो ये राउंड एज होता है ना वो कॉर्नर पे होना चाहिए ऐसे, और ये जो पॉइंट वाला जो पार्ट होता है वो बीच में होना चाहिए। तो आप ऐसे एक साथ अच्छे से आपका पूरा बाउल क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। हम इसे 2-3 बार कट एंड फोल्ड कर देंगे, जिससे कि इसमें साइड में जो एक्स्ट्रा फ्लावर रहेगा ना भक्ति, वो हमारा इसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो हमारा बैटर बन के भी रेडी है, ऐसा हमें फ्लोई बैटर चाहिए। अभी हम इसे 6 इंच राउंड केक टिन में पोर कर देंगे, जिसमें कि हमने ऑयल से ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा दिया है, जिससे कि हमारा केक अच्छे से डीमोल्ड हो जाए। सो भक्ति आप इसमें हमारा बैटर डाल दीजिए। ये केक हम 1/2 kg का बना रहे हैं। 1/2 kg केक बनाने के लिए हमने ये स्पॉन्ज बनाया है। बाकी आप हमारे बैटर को टैप कर दीजिए। ये हमने ग्लव्स के ऊपर रखा है, जिससे कि हमारा मार्बल ना टूटे, ये आपको ध्यान रखना है। हम इसको 20-25 टाइम्स के लिए टैप करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें से एयर बबल्स रिड्यूस हो रहे हैं। सो एयर बबल निकालने के लिए हमें इसको टैप करना कंपलसरी है। इसका और एक रीज़न है कि हमारा केक अच्छे से लेवल होना चाहिए जब हम इसको बेक करें, इसके लिए हमें इसको टैप करना है। टैप इट। तो जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे थे, तभी हमने हमारा होममेड ओवन भी लो फ्लेम पे प्रीहीट करने रख दिया था। सो इसमें हम अभी हमारा केक बेक करने के लिए रखेंगे। अभी हम इसके ऊपर, ये मैंने रिंग लिया है, इसका हाइट मिनिमम आपका 2 से, इसका ये रिंग का हाइट मिनिमम 2.5 से 3 इंच तक का होना चाहिए, ठीक है। अभी हम हमारा केक को बेक करने के लिए इस पर रख देंगे। इतना हाइट रखना कंपलसरी है? ये हाइट इसके लिए रखना है कि ये ना इवनली पके, ऊपर से भी और नीचे से भी, और ये हाइट की वजह से हमारा केक जलेगा भी नहीं। okay. इसके लिए हमें इतना हाइट रखना कंपलसरी। अभी आप इसको ढक दीजिए। अभी हम इसे एग्जैक्टली 30 मिनट के लिए बेक करेंगे लो फ्लेम पे। सो ये होममेड ओवन कैसे प्रिपेयर करते हैं उसका भी वीडियो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। एंड टिन को पेपर कैसे कट करना है, बेकिंग पेपर, वो उसका भी हमने एक वीडियो बनाया है, सो आप वे भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू। 30 मिनट हो चुके हैं, हम हमारे केक को भी चेक कर लेंगे। हम इसमें टूथपिक डाल के हमारे केक को चेक कर देंगे। टूथपिक एकदम क्लीन आया है, ये इंडिकेशन है कि हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। ओके भक्ति, हम हमारे केक को एक साइड में रख देंगे। अभी हम हमारे केक के ऊपर एक कपड़ा ढक देंगे। और हम इसे मिनिमम 1/2 घंटे के लिए ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको कट करेंगे। भक्ति आप स्पंज को, अभी हमारा स्पंज ठंडा हो चुका है, आप इसे एक बार डीमोल्ड करके, एक बार साइड से स्क्रैप करके इसे डीमोल्ड कर दीजिए। आप इसको ऐसे साइड से थोड़ा लूज कर लीजिए, फिर आप इसको डीमोल्ड कीजिए। केक को आपको कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है, फिर आप इसे डीमोल्ड करोगे। हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है, हम ये टाइम पे हमारा बेकिंग पेपर निकाल देंगे। अभी हम इसकी प्लेटिंग कर रहे हैं, इसके लिए बेकिंग पेपर निकाल रहे हैं, नहीं तो आप जब भी केक को आइसिंग करोगे तब भी ही आप उसका पेपर निकालोगे, पहले कभी भी आप इसका पेपर नहीं निकालेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको ये केक कट करके बताता हूँ कि कितना सॉफ्ट बना है। ये केक हमारा अभी भी थोड़ा गर्म है, आप गरम गरम आप केक को कट मत कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना स्पंजी बना है हमारा केक। हम इसके साइड में थोड़े चोको चिप डाल देंगे प्लेटिंग के लिए, या आप ऐसे भी इसके ऊपर चॉकलेट सॉस ड्रिजल करके आप इसे खा सकते हैं। अगर आपको इसे क्रीम करना है तो आप क्रीम भी कर सकते हो। अभी हम इसके ऊपर आइसिंग शुगर डस्ट कर देंगे।